लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले आमडी गांव के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 में दिन दहाड़े 7 लोगों ने मिलकर 80 यात्रियों से भरी बस को लूट लिया, जिसके कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है तथा पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामटेक थाना अंतर्गत आने वाले आमडी गांव के पास आभा टूर्स एंड ट्रेवल्स की बस में आमडी गांव के पास से 2 अज्ञात व्यक्ति तथा पेट्रोल पंप से और 2 अज्ञात व्यक्ति बस में सवार होकर यात्रियों से टिकट के पैसे की मांग करने लगे। यात्रियों द्वारा पैसा देने का विरोध करने पर यात्रियों से मारपीट की जाने लगी। चाकू की नोक पर हुई इस लूट प्रकरण में कुल 1,96,750 रुपए की लूट की गई। लूट के बाद सभी आरोपी बस से उतरकर फरार हो गए। प्रकरण में रामटेक पुलिस ने मामला दर्ज कर शनिवार व रविवार को कड़ी मेहनत कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रकरण में बस चालक व क्लीनर की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इस प्रकरण में रामटेक DYSP आशित कामले और रामटेक थानेदार हृदय नारायण यादव ने भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। एक-एक करके बोला कि चप्पल ले दे, मेरे पास कमाने लग गए, मत छोड़ दे पैसे दे, गाली बहुत गंदे दे रहा था, गाली करो करते मारपीट भी की है क्या? चक्कू को दिखा रहे थे, चक्कू को मारपीट भी किया, चक्कू हथियार मारपीट भी किया, हमारे को बेतराई से मारा है, 40,000 रुपया भी लिया हमारे से, 40,000 रुपया लिया, 40,000 रुपया लिया हमारे से, मारा भी, 2 अब हाथ पकड़ रहा था और 2 हमारे ऊपर कूद रहा था। हम लोग 800 का टिकट भी कटाए थे, वो गाड़ी भी छोड़ के जा रहे थे, इसमें हम लोग नहीं जाने दिया, आप मारने बैठो नहीं जाने दिया। जितना पैसा दिख रहा है उतना सारा ले रहा है, सब ले रहा है, सब पैसा छीन ले रहा है। ट्रैवल्स वाले क्या कर रहे थे, कंडक्टर वगैरह? ठीक है, सिकंदराबाद से टिकट बनाए यहाँ नागपुर का नहीं, जहाँ तक जिसको जाना था वहाँ तक का टिकट, बिहार का है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोले से नागपुर में बैठ जाओ, तुम लोग से कोई पैसा नहीं लेगा और तुम लोग जा सकते हैं, अच्छा से जा सकते हैं। हम लोग बैठ गए, जो जहाँ का टिकट कौन काट रहा है, जो लूटने आए थे वही टिकट काट रहा था, लखन नाम का है वो टिकट काट रहा है। एजेंसी है नागपुर, वो ट्रेवल बस स्टैंड है। चाहिए साथ में बस वाले मिले वाले है क्या? मिले हुए दोनों बस वाले मिले हुए हैं। हम लोग भी बोले कि पैसा नहीं लोगे, वो लोग बोला कि पैसा नहीं लेंगे। नागपुर से दो बस खुला हुआ, एक बस निकल गया, बोला पैसा नहीं लगेगा, एक बस निकल गया है नागपुर से। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अजय मेहरकुड़े, रामटेक, नागपुर।